अक्टूबर को जब इसराइल पर हमला हुआ तो उसकी सेना गायब थी। सबसे एडवांस मानी जाने वाली इसराइल की खुफिया एजेंसी को हमले की भनक तक नहीं लगी। इसराइल की एलीट यूनिट पूरी तरह से फेल हो गई। नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। '73 के बाद ऐसा पहली बार था जब इसराइल पर इतना बड़ा अटैक हुआ। इसराइल पूरी तरह नाकाम हो गया, लेकिन उसकी एक बटालियन थी जो पूरी तरह अलर्ट थी, और इस बटालियन को इसराइल में बिल्ली बटालियन के नाम से जाना जाता है। ये बिल्ली बटालियन क्या है? इस बटालियन की ताकत क्या है? ये इसराइल की सबसे खूंखार फोर्स बनकर अचानक कैसे उभरी है? ये समझने के लिए सबसे पहले 7 अक्टूबर का ऑपरेशन देखिए, जब हमास ने इसराइल पर एक साथ 5,000 रॉकेट दागे। गाजा पट्टी से हुए हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया, और फिर जो हुआ ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन नेतन्याहू जंग का ऐलान कर उससे पहले इसराइल की एक ऐसी यूनिट एक्टिव हो गई जिसने हमास के हमले को कमजोर कर दिया। यही यूनिट इसराइल में बिल्ली बटालियन के नाम से जानी जाती है। इसी बिल्ली बटालियन ने हमास के हमले को पूरी तरह कामयाब नहीं होने दिया। इस बिल्ली बटालियन में 70% से ज्यादा कमांडो लड़कियां हैं। ये लड़कियां इसराइल में शेरनी कही जाती हैं। इसराइल की इस फोर्स को असल में काराकल बटालियन कहा जाता है। यह बटालियन इतनी खतरनाक है कि जिस मिशन को पूरा करने की ठान ले उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। इस बार भी यही हुआ। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद बिल्ली बटालियन एक्टिव हुई और उसकी 13 कमांडो लड़कियों ने हमास के 100 लड़ाकों को मार दिया। आईडीएफ की महिला कॉम्बैट फोर्स की ये टीम कैसे काम करती है, इसको कमांड कौन करता है, काराकल यानी बिल्ली बटालियन में शामिल होने के लिए महिला जवान को कितनी खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बिल्ली बटालियन के ऑपरेशन हमास के बारे में जान लीजिए। कि कैसे सिर्फ 13 कमांडर ने हमास के मिशन को पूरा होने से पहले उसे फेल कर दिया। हमास के हमले की जानकारी मिलते ही कर्नल बेन यहूदा अपने 13 सैनिकों के साथ मिस्र की सीमा के पास इसराइल के सूफा मिलिट्री बेस पर पहुंची। यहीं पर हमास ने हमला किया था और वहां पहुंचते ही इस बिल्ली बटालियन की कमांडो ने लड़ना शुरू कर दिया। सूफा मिलिट्री बेस पर पहुंचने पर बिल्ली बटालियन ने देखा कि हमास ने कम से कम 50 इसराइली सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई हुई।
इसराइल का दावा है कि लगातार 4 घंटे तक फायरिंग में कर्नल बेन येहूदा और उनकी साथी कमांडर ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान बिल्ली बटालियन के कुछ कमांडो भी घायल हो गए, लेकिन कर्नल बेन येहूदा का इरादा डिगा नहीं और वो डटी रहे। इस दौरान इसराइल की नेवी के एक कमांडर भी हमास से लड़ने सूफा मिलिट्री यूनिट पहुंच गए। ये लड़ाई करीब 14 घंटे तक चली, जिसमें बिल्ली बटालियन ने 100 हमास लड़ाकों को मार गिराया और अपने साथी सैनिकों को भी छोड़ा लिया। 14 घंटे का यह ऑपरेशन इसराइल के सैन्य इतिहास में बड़ा मुकाम पा चुका है। इस ऑपरेशन के बाद पूरे इसराइल में कर्नल बेन येहूदा और उनकी टीम हीरो बन गई है। हर कोई इसराइल के इस बिल्ली बटालियन की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कर्नल बेन येहूदा इतनी बहादुरी के साथ लड़ी और अपने सैनिकों की जान बचाई। साल 2014 में भी बेन येहूदा मिस्र बॉर्डर पर इसी तरह के ऑपरेशन के दौरान जख्मी हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और युद्ध में एक दुश्मन को मार गिराया था। इसराइल की बिल्ली बटालियन वाकई बहुत खतरनाक फोर्स है। अब ये भी समझ लीजिए कि ये बिल्ली बटालियन काम कैसे करती है। दरअसल इस खतरनाक बटालियन में महिला और पुरुष दोनों सैनिक मिलकर काम करते हैं, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। खास बात ये कि इस बटालियन में महिलाओं की तादाद पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा है। बिल्ली बटालियन में करीब 70% महिला सैनिक होती है, जबकि 30% पुरुष सैनिक। ये बटालियन 2004 में बनाई गई थी। दरअसल काराकल बिल्ली की एक प्रजाति है। इसी तरह इस फोर्स को बिल्ली बटालियन का नाम दिया गया है। इस बटालियन का मिशन मिस्र और जॉर्डन के साथ इसराइल की सीमा की निगरानी करना है, ताकि इसराइल की सीमा में किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो पाए। इसराइल की सेना में महिलाओं की तादाद ज्यादा है, करीब 2 लाख एक्टिव सैनिकों में 50,000 महिलाएं हैं। किसी भी ऑपरेशन में ये बराबर से शरीक होती है। इजरायल के काराकल बटालियन की कामयाबी का रेट बहुत ज्यादा है। हमास के अटैक के बाद कई मोर्चों पर इन्होंने सफल ऑपरेशन किया और अभी भी इन महिला सैनिकों की तैनाती कई मोर्चे पर की गई है। दरअसल इजरायल की सेना में महिला सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में भी उन्हें शामिल किया जाएगा? क्या बिल्ली बटालियन गाजा में हमास का शिकार करने उतरेगी? मिस्र के बॉर्डर पर बिल्ली बटालियन ने जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया है, हो सकता है उसके बाद नेतन्याहू इस यूनिट को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भेजना चाहें, क्योंकि इसराइल के सामने गाजा के अंदर हमास सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन नेतन्याहू के सामने मुश्किल ये कि गाजा के बाहर हिजबुल्ला ताक लगाए बैठा है कि कब इसराइल पर हमला किया जाए। अगर इसराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इसराइल पर चढ़ाई कर देगा। इसराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है, इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इसराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इसराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इसराइल पर हमला बोल देगा। लेकिन इस वक्त इसराइल के सिर पर बदले का खून सवार है। इसराइल एक के बाद एक हमले गाजा पर कर रहा है। इस वक्त 42% गाजा बर्बाद हो गया है। रोजाना सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पूरा मेडिकल सेटअप तबाह हो चुका है। गाजा के अंदर खून खराबा जारी है। जंग यूं ही जारी रही तो बर्बादी के आंकड़े बढ़ना तय है। फिलहाल गाजा में हमास को मारने के लिए बमबारी के बीच इसराइल और हिजबुल्ला दोनों तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि पहला हमला कौन करेगा।